अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, मुल्तानी मट्टी के साथ हमारा न्यू व्लॉग। मुल्तानी मट्टी है ना? अच्छा, मुल्तानी मट्टी कौन सी है? मुल्तानी मट्टी हमने लगाया हुआ है और हमने जो है ना फेचल पूछल मारा हुआ है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें और आपको बताएं कि भाई मुल्तानी मट्टी लगा के आप खूबसूरत हो सकते हो। ये मुल्तानी मट्टी तो वैसे मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जहाँ इसने चोट पे लगाया ना, मुझे वहाँ पेन हो रहा है। हाँ, तेरा भी तो दिखाऊँ। अच्छा, लगा के खुद खुद डर के भाग गई है, बोलते मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैं तुम्हें इंसान ही लगता। कहाँ जाऊंगा, जो रिएक्शन देगा उसको खो जाऊंगा, जो भी मेरे ऊपर रिएक्शन देगा मैं उसको खो जाऊंगा। तो गाइस, इसका रिजल्ट फिर आपको बाद में दिखाते हैं। इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा फिलहाल, जो दिख रहा है रिजल्ट है। क्यों, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता? फिलहाल तो आप भूत लगे तो मट्टी वाला भूत। उसके बाद अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये इसने कोई फेस मास्क लगाया है, आज ये जिन भूत सारे मुझे बना के रहेगी। देखते हैं कि इसका अब क्या रिजल्ट आता है। चलें, जो भी होगा फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तब तक आप भी वेट करें, आप भी देखें कि भाई क्या रिजल्ट, क्या जुस्तजू, क्या तमन्ना निकलती है इसके अंदर से। ठीक है जी, आज घर पे बस फेशियल फूशल की ट्रेनिंग चल रही है। इसको जब लगाया था तब ये ब्लैक था, लेकिन अब देखें ये पूरी जो है ना फेस पे ये झाग निकल आई है। और इसका मतलब है कि ये अच्छा है और इसके साथ ऐसे ऐसे मसाज करना होता है। ये भी मैंने कहा आपको आज सिखाता चलूँ, थोड़ा थोड़ा ना नई चीज़ भी ब्लॉग में लेके आनी चाहिए ना। तो गाइस, आप ये ऐसे आपको मैं जो है ना स्किन केयर बता रहा हूँ कि अपनी स्किन की केयर आपने कैसे करनी है, समझ आई ना? ये ऐसे ऐसे केयर करते हैं, आप लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं। गाइस ये देखे, इसने मेरा फेस बिगाड़ दिया है, मुझे इससे ये तवक्को तो ना थी। ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? दुश्मनी पाली है। दुश्मनी क्यों पाली मेरे साथ? लाओ साफ। हाँ, ये आज दिन बना हुआ, इसे कर लो साफ। वो जो जख्म है ना उस पे लगता है ना तो पेन होती है। आप जख्म पे मत छेड़ो ना। तो तुमने लगा दिया तो अब क्या करोगे? अब मार्क सूखा क्या पता क्या आपके यहाँ पे जख्म है। आप ऐसे करो, पानी से वॉश करके आ जाओ। शाबाश, भाग जा, चल जान छोटी, चिट्टा हो गया लड़का। डिंगी ना डिंगी। तो जो है ना 9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सनिया की मम्मा के घर सालन बनाने। हमारा गैस हो चुका है भाई साहब ख़त्म, तो इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज सारा दिन बस तबीयत ठीक नहीं थी इसकी वजह से सोए रहे, अभी उठा हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग शूट करते हैं। जो भी हुआ हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक आध पुराना व्लॉग पड़ा हुआ है वो ऐड करके डाल देंगे फिर इंशाल्लाह कल से। चलिए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। गाइस ये देखें, भाई दिलबर ने दी है सनिया भाभी को चाय। हाय हाय, नहीं नहीं दोबारा दोबारा रखे 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 रखे, वो तो उसको मैंने दे दी, दोबारा रखे, नहीं नहीं दोबारा रखे। अच्छा। सनिया भाभी वापस करें चाय, हरी अब चले, एक मिनट चले, आप चाय दें, साथ कुछ बोलें भी सही ना। मुझे गाना सुनाना 2 रुपए का। जी वाओ, कितनी मोहब्बत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे आपकी मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे और मुझे हमेशा ऐसी वीडियो बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। भाई दिलबर, भाई कैसा लगा आपको यहाँ के? वैसे मुझे आज इनका खाना बहुत पसंद आया। मैंने भाई दिलबर लोगों को पूछा है कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, इन्होंने कहा है बहुत ही, नहीं अभी बाकी बहुत अच्छा लगा है, उसके अलावा ये है कि इसका माहौल बहुत अच्छा। आज मैं इन लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ इन्हीं के व्लॉग से। दिल खुश की लात लात रखा दे। हाँ हाँ जी, पूछे सनिया भाभी आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आपका फेस ठीक हो गया? हाँ
कुछ बेहतर है पहले से? रास्ते रास्ते में ठीक हो रहा है, आस्ते आस्ते कुछ ठीक हो रहा है। सही हुआ क्या? बस कुछ नहीं, वैसे थोड़ा ये ना वो रात को सोए हुए थे ना, किरड़ी घूम गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या होती है किरड़ी? उसको चिपकली 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 चिपकली। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जान निकाल लो, मुझे जिबा कर दो। ना 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 ना, मैंने यकीन नहीं करना कि भाई दिल पर कभी आप पे हाथ उठाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी मैं बर्तन धो के आऊं? नहीं नहीं, मैं आपको बर्तन धोने दूंगी। वाह सदके मन्या, जबरदस्त बिल बनाया है 786। अच्छा बिल तो बहुत बहुत कम नहीं बनाया, 786 बस, 107 लगा दो। अच्छा यानी कि ये गलत बता रहे हैं, 78-60 नहीं, ये बिल बनाया है हमारा 17,880। सनिया भाभी आपने इतना खाया है? ऐसे करते हैं कि मैं बहुत खाती हूं। नहीं, बहुत खाती है ना, आज तो सोच के खा लेती, मेरी आप ही का है। पहले हल्का हस्बैंड का बहुत खाती हूं, आज बहन का समझ के। अच्छा मुझे ना आप लोग वो खाते थे ना, वो जो मटन वो सब मंदरी कहते हैं। मंदरी 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 नहीं, मंदी होती है, मंदरी कहती हूं। मंदी है ये, देखो ये दोनों कितने एक्टिव हैं, जल्दी जल्दी इन्होंने अपनी चाय फिनिश कर ली और मुझे कहते हैं ये देखो रखी हुई है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं चाह रहा हूं कि बर्तन धो के फिर हम लोग चाय पी लेंगे, थकावट उतर जाएगी, बारिश ऐसी आ जाएगी जितनी बार हो। मैं चाहती हूं आज बारिश आ जाए, आ जाएगी। आज आपका मूड कैसा है दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट है, माशाल्लाह बहुत खुश है, आज हम एक्टिव नजर आ रहे हैं, मेरे साथ ज्यादा खुश हैं हम दोनों, बस आपका यही प्यार था। आप दूसरी बार आए हैं, देखिए मेरा इखलाक। आप तीसरी बार वैसे था? जितनी भी YouTube फैमिली है ना, वैसे उन परेशान बहुत होंगे। तीसरी दफा तो आप हमें गिफ्ट दे रही हैं, है ना, सरप्राइज दे रही हैं कि चलें भाई ये ना आप ही का ये सरप्राइज, हम सरप्राइज हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो तीसरी दफा जब हम इनके पास आएंगे ना इंशाल्लाह, मैं बोलता हूँ फिर इन्होंने ना हमारे लिए बहुत फैसिलिटी कर दी है। अल्लाह खुश रखे आपको अपने खर्चे पर, हमें अपने खर्चे पर, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे, ऐसे आबाद रखे, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ आपका साया बरकरार रहे। हमारी भी दुआएं आपके लिए, और आप हमारी बड़ी बहन हैं तो आप भी हमारे लिए दुआ क्या करें, जो हमारी परेशानियां हैं, जो लोग हमारे पीछे लगे हुए तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत दे, आमीन। हमारी नाराजगी होती रहे और आप सुलह करवाती रहे। हाय हाय हाय, करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा जी क्या कहते हैं, अच्छा कैमरा मैन को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो जी आज कल रात से ही तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से कुछ व्लॉग शूट नहीं कर सके। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक हमारा कोट अदू का पुराना एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, उसका व्लॉग है। उसके अलावा रात हमने जो है ना वो थोड़ा कुछ फेसल वेशल किया था, तो उसकी भी कुछ बातें करनी थी। इसके अलावा ये था कि आज जो है ना हमारे बाबर का व्लॉग मैंने देखा, मिट्ठू भी जो है ना अल्लाह को प्यारा हो गया, और क्या कहते हैं उसका भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको हम लोगों ने ना बच्चों की तरह पाला था, बहुत अच्छा था। मतलब घर का कोई भी एक अफराद हो या कोई भी आपके पास जानवर होता है तो उसके साथ ना आपका दिल लग जाता है। तो इतना एक अरसे से वो हमारे साथ था, और आज जब मैं उसको देख रहा था, फादिया भी रो रही थी, हमजा भी रो रहा था, बाबर भी बहुत परेशान था। जहरी बात है, अब छोटा सा एक बच्चा लेके आओ, उसको पालो पोसो, तो फिर जब वो चला जाता है तो फिर बहुत तकलीफ़ तो होती है। और काफ़ी दफ़ा बड़े यही बोलते हैं कि आपके घर पे कोई जानवर हो, असल में यार रात का काफ़ी टाइम है, मुझे नींद आ रही है इस वजह से, तो मैंने कहा एडिट कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह 9 बजे आ जाता है व्लॉग, तो तब मैं सोया होता हूँ इस वजह से। तो छोटा सा बच्चा ही था जब उसको हम लोग लेके आए थे, बाकी जो है ना कोई बात नहीं, फिर ले आएंगे, लेकिन तकलीफ़ तो होती है भाई। घर का कोई भी फर्द, कोई भी जानवर आपसे जब एक एक दिल लगी हो जाए ना, तो उसके बाद वो आपको छोड़ जाए तो बहुत तकलीफ। कोई बात नहीं। तुम सो लो पहले। नहीं मैं सोता नहीं, बस एंड करता हूँ, थोड़ा सा व्लॉग बनाना है। उसके अलावा जी जो भी मैटर थे अल्हम्दुलिल्लाह से
उनको उनके मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। काफ़ी लोग जो है ना पूछ रहे हैं कि भाई तुमने जो केस का ड्रामा किया था उसका क्या बना। तो देखो यार, ये जो चीज़ें होती है ना, इनका प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद ही ये चीज़ें आगे वर्क करती हैं। कल भी मैं देख रहा था मोटी बाजी का कि लाइव लगाई हुई थी और बोल रही थी कि इंशाल्लाह इन दो हस्बैंड वाइफ को रुलाऊंगी मैं और इनको इनके मुकाम तक पहुंचाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो भाई पहुंचाओ, किसने रोका है तुम्हें? पहुंचाओ, लेकिन पहले मुझे मेरी बातों के प्रूफ देना, फिर पहुंचाना। तुम्हें जानता हूँ मैं, तुम्हारी कितना पावर है वो मुझे पता है। तुम बड़े बड़े वकीलों के पास भाई बैठ सकती हो, हम तो गरीब बंदे हैं, हम तो भाई लोकल वकील करते हैं, आप तो हाई क्लास वाले वकील करती हो ना। और तुम्हें पता भी चल गया कि मेरे पीछे कौन है, तो चलो शुक्र है, ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा जो है ना, जरदा को एक बात का जवाब देता चलो, उसकी भी जबान आजकल कुछ ज़्यादा उथल रही है। 2-4 दिन वो चुप हो गई थी, उसको शटअप कॉल आ गई थी, लेकिन इसको जो है ना, वो बोलते हैं ना, इसकी जबान बंद करवाना भी लाजमी होता है, वरना ये ऐसे चुप नहीं करती। इसको भी 2-2, 3-3 दिन के बाद डोज देनी पड़ती है, फिर जाके ये इंसान बनती है, वरना नहीं बनती। अब उससे पहला सवाल पूछूंगा कि अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं बोल रहा, अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं बोल रहा कि भाई अब इनके ऊपर एक्शन ना दो, अब ये बातें ना करो, वो बातें ना करो। उस दिन तो तुमने हस्बैंड का झूठ बनाकर एक टोपी ड्रामा कर लिया था, अब क्या हो गया? और एंड में ये भी बोल के गई थी कि मेरी जबान तो तुम जानते हो ना, तुम अगर उसकी जबान जानते हो, तुम्हारी जबान ना, तो मेरी जबान भी तो तुम जानती हो ना कि कैसी है फिर। हाँ, तो अच्छे तरीके से जानती हो। उसके अलावा तुमने आज एक और टॉपिक रखा है जिसका मुझे तुमसे ये सवाल करना है, और मुझे इस चीज़ का प्रूफ दो कि वो किस वीडियो में कहा गया है। तुमने बोला कि भाई जो है ना, इस पे फातिमा और अकबर का नाजायज रिश्ता बनाया गया, तू मुझे जो है ना इस लव से बुलाती है। तू तो खुद एक मतलब अगवानी और एक घटिया है, ठीक है? तू मेरे मुझे कैसे इस लव से बुलाती है, मुझे ये तो बता। मैं तेरे बाप के घर से खाता हूँ या तू मुझे खिलाने आती है, जहल औरत? ठीक है, तू मुझे खिलाती है घर से, तेरे घर से मैं खाने आता हूँ? रोज आ जाती है मुंह पे मुंह उठा के बकवास करने। खुद का तो तेरा खुद का चैनल चलता नहीं है, ब्लॉग बनाना शुरू किए थे ना, फिर क्यों हट गई थी पीछे? आ जाती है तू लाइव में सजा के, ये वो फलां, इसके अलावा तेरा काम चलता नहीं है या रिएक्शन और या लाइव के अलावा तेरा काम चलता है? इसके अलावा तो नहीं, रोज झूठी अर्जेंट लाइव जी, अर्जेंट लाइव, बीच में जाके देखो जो, ओ जी मैं तो बैठी हुई थी, मैंने कहा फिर गप्पे छप्पे लगा लेनी चाहिए, गप्पे छप्पे लगा लेनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो जी, ये गप्पे छप्पों के नाम पे तो झूठ बोल देती है कि अर्जेंट लाइफ अर्जेंट लाइफ। मुझे इस चीज़ का प्रूफ तुम लाजमी देना कि किस वीडियो में कहा गया है कि अकबर और फातिमा का नाजायज रिश्ता, ये वो फलान, मुझे इस चीज़ का जवाब लाजमी देना, वरना ना तुम्हारे ना मैं जबान निकाल के ना हल्क में से, ठीक है ना, फिर तुम कभी बोलने के लायक नहीं रहोगी। अजीब हो रहा तो यार, बैठे बैठे बिला वजह का झूठे इल्ज़ाम और इल्ज़ाम तराशें शुरू कर देती हो, जब तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं होता तो उठ के आ जाती हो तुम, ठीक है? एक मोटी बाजी हो गई, एक तुम हो गई, तुम दोनों को कोई शर्म लिहाज नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी मुंह में आता है भगते जाते हो भगते जाते हो। एक इंसानियत होती है यार, एक लिमिट होती है, लेकिन तुम लोगों ने तो अजीब सा ही परेशान करके रख दिया है, मतलब लड़ाया करवा के सारा कुछ करवा के उसके बाद तुम लोग शुरू हो जाते हो जी, वो जी फलाने पर रिएक्शन देना है, फलाने पर रिएक्शन देना है। और तुम लोगों की जो जो टीम है वो भी मुझे पता है, कितना तुम्हारे टीम में बंदे हैं वो भी बहुत है, मुझे पता है। 5-6-7 लड़कियां जो तुम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ ना व्हाट्सएप का, जिस पे बैठ के डिस्कस करती हो कि आप इसको ऐसे टारगेट करना है, इसको ऐसे टारगेट करना है, सारा मुझे पता है, ठीक है ना, सब कुछ मुझे पता है। और क्या क्या मैसेज होते हैं कि भाई इसमें से इस बंदे को इतना नीचे कमेंट्स करवाने हैं, इस बंदे को इतना कमेंट्स करवाने हैं, ठीक है, जिसमें मोटी बाजी भी शामिल है, तुम भी शामिल हो, एक कैनेडा वाली बाजी है वो भी शामिल है, एक दो कराची की हैं वो भी शामिल हैं, सबका मुझे पता है कि कौन कौन तुम लोग कौन कौन सा ग्रुप है और क्या क्या करते हो, सारी मालूमात मुझे भी मिल रही है, बच्चा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, बच्चा नहीं हूँ मैं, सारा कुछ। जब आप किसी के पीछे हाथ धो के पढ़ते हो ना, फिर सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। मुझे इस चीज़ का प्रूफ तुम लाजमी देना, ठीक है ना, ये जो तुमने घटिया इल्ज़ाम और घटिया बकवास की है ना, इसका मुझे जवाब लाजमी देना कि कहाँ पे बोला है, वो क्लिप लाजमी मुझे सुनाना, ताकि मुझे भी पता चले बोला किसने ये। आ जाती हो मुंह उठा के, जब कोई भी टॉपिक नहीं मिलता तो फिर आगे शुरू हो जाती हो, ये है वो है जी फलान तलान है। यार कोई इंसानियत होती है, पता नहीं क्या तुम लोगों में जहूलियत भरी हुई है,
कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये है कि हमारे पहले तो तुम लोगों को जो है ना अकबर फैमिली बहुत गंदी लगती थी, ठीक है, ये मोटी बाजी को भी बहुत गंदी लगती थी, अकबर फैमिली ऐसी है, अकबर फैमिली ऐसी है, अब अंकल अकबर बोला जा रहा है, फातिमा के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ये किया जा रहा है, अब वो फैमिली तुम लोगों को अच्छी लगना शुरू होगी, सिर्फ व्यूज आ रहे हैं इस वजह से, पहले तो ये तुम लोगों को फैमिली बहुत बुरी लगती थी। और यार इंसान खुदा का खौफ कर लो कुछ, तुम लोगों का कोई भी दीन ईमान नहीं है, सिर्फ देखते हो कि जिस तरफ डॉलर आ रहे हैं उस तरफ मुंह उठा के भाग पड़ते हो, जिस तरफ देखते हो, यही तुम लोगों के सवाल थे, यही थे कि जी वो जी क्या कहते हैं अकबर फैमिली तो ऐसी है, अकबर फैमिली तो ऐसी है, आज अंकल अकबर बोला जा रहा है, दोनों तरफ मोटी बाजी भी बोल रही है, तू भी बोल रही है, वो जी अंकल अकबर ऐसे तो अंकल अकबर ऐसे, फातिमा ने कहा कि तुम जिनके पैनलों पे जाके बैठते, फातिमा से भी मैं जवाब बोलता चलूँ कि मैं जिन पैनलों पे जाके बैठता हूँ या जिन पैनलों वाले मेरे साथ है ना, ये भी तुम्हें जवाब देता चलूँ, पिछले दिनों मैंने तुम्हारे हक में एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो है ना फिर तनकीदें शुरू हो गई, तुमने तो फिर आगे से रिस्पॉन्स देना नहीं शुरू किया था ना, ठीक है, वही मेहराब के साथ मैंने लड़ाई की थी ना तुम्हारे लिए, फिर तुमने क्या बोला था, फिर जहरी बात है हमारा मामला था, लोग कहते तुम्हारी वजह से पंगा लिया था, क्योंकि वो लोग यही बोल रहे थे कि फातिमा तुमने इजाज़त दी है सारा कुछ, और फिर एंड में सिला यही मिला कि मुझे ही फिर शुरू हो गए तुम लोग, तो मैं तुम्हारे पीछे क्या आवाज़ उठाऊँ, मुझे ये तो बताओ, हद होती है यार, जिसका भी दिल करता है मुंह उठा के आता है धो के चला जाता है, मुंह उठा के आता है चला जाता है, मुंह उठा के आता है चला जाता है, यार कुछ इंसानियत होती है, कुछ कोई एक बात का कोई रुख पकड़ो फिर उसको एंड तक पहुंचाओ, समझ भी आता है, वह इधर से सुनी और इधर से फिर बोलना शुरू कर दिया, हाँ जी ये बात तो ऐसी है, ये बात तो ऐसी है, कुछ शर्म लिहाज कर लें, कुछ अक्ल होता है इंसान में यार, थोड़ा सा तो शर्म लिहाज कर लें, थोड़ी सी इंसानियत रख लें, इतना भी किसी इंसान को तंग नहीं किया जाता जितना तुम लोगों ने किया हुआ, तुम्हारे घर पे भी माँ बहनें बेटियां हैं, क्या उनकी दूसरी शादियां नहीं हुई हैं या कुछ नहीं हुआ है क्या, इतना शरीफ शादियाँ ना बनो, आ जाती हैं फिर पैनल पे बकवास करने, फिर कुछ बोलो तो जी डीडी ऐसे बोलता है, डीडी ऐसे बोलता है, तुम लोग मतलब कुछ भी बोलते रहो, डीडी अगर कुछ बोलता है, अगर कोई मर्द आके बात करते तो फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेडीज मतलब कुछ भी बोलती रहे, अगर ये प्लेटफॉर्म बनाए तो इस पर हकूक फिर बराबर रखो, फिर कि मर्द भी अपनी सफाई में कुछ बोल सके, फिर ये नहीं है कि सिर्फ औरत बोले बोले मर्द नहीं बोले, क्यों भाई मर्द क्यों ना बोले, क्या मर्द के अंदर दिल नहीं होता क्या, वो इंसान नहीं है क्या, वो जानवर है क्या, इतना भी यार टॉर्चर ना नहीं करना चाहिए यार, एक इंसान को एक लिमिट होती है, एक हद तक होती है, ये मोटी बाजी भी कुछ दिन सुकून में आई है फिर ये शुरू हो गई है, इसको भी कंट्रोल नहीं है, चस्के चाहिए होते हैं इसको भी, बस हद होती है यार। चले यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग तो आज नहीं है बस छोटा सा ही ऐसे है, रूटीन है, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अल्लाह।